दीप सिंह, स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल फार्मिंग कल्चर पर। तो आज की इस वीडियो में एक संभी हम लोग बात करेंगे कि अगर आपने अपनी गेहूं की फसल में किसी खरपतवार नाशी का प्रयोग किया है और उसके बाद अगर आपकी गेहूं की जो फसल एक संभी है वो उसमें आपको वो पीली दिखाई दे रही है, यानी कि उसके पत्ते जो हैं वो पीले होकर मुड़ रहे हैं या सड़ रहे हैं, तो ऐसी अवस्था होने पर किसान भाइयों आपने क्या करना है कि आपकी जो गेहूं की फसल है वो फिर से जो है वो नॉर्मल हो जाए, यानी कि उसमें जो हरापन है वो फिर से वापस आ जाए। अब आपने देखा होगा कि जब आप किसी भी खरपतवार नाशी का प्रयोग करते हैं तो हल्का फुल्का असर जो है आपके उसके गेहूँ की फसल में भी उसका देखने को मिलता है, क्योंकि हम जब 2 से 3 खरपतवार नाशी जो है जब मिला के स्प्रे करते हैं तो घास पे तो उसका असर देखने को मिलता ही है, साथ साथ में कहीं ना कहीं वो हल्का सा असर जो है उसका जो है हमारी गेहूं की फसल में भी देखने को मिलता है। एक झटका सा जो है वो लगता है गेहूं की फसल में, उसमें क्या होता है कि गेहूं हमारी जो है पीली पीली हो जाती है, पत्तियां जो हैं उसकी वो सड़ने लग जाती हैं लगभग, और इस तरीके की काफ़ी असर जो है वो कभी कभी देखने को मिलता है। तब क्या करें किसान भाइयों कि ऐसी अवस्था अगर है आपके गेहूँ में तो ऐसी अवस्था में आपको क्या करना चाहिए ताकि आपकी गेहूँ की फसल जो है फिर से नॉर्मल हो जाए। किसान भी अगर आपने भी खरपतवार नाशी का प्रयोग किया था उसके बाद जो है आपकी गेहूं की फसल में जो है आपको पीलापन देखने को मिल रहा है, या वैसे भी किसान भैया अगर आपके गेहूं में किसी कारण से जो पीलापन है, तो हम आपको ऐसी ही स्प्रे के बारे में आज की इस वीडियो में बताएंगे कि जिससे आपकी गेहूं की फसल है उसका जो हरापन है वो फिर से वापस आ जाएगा। इसके साथ साथ इसके और भी आपको फ़ायदे देखने को मिलेंगे, आपके कल्ले जो हैं वो अच्छे बनेंगे, आपका हरापन जो है वो काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा और गेहूँ की जो ग्रोथ है वो बहुत ही अच्छी तरीके से आपको चलती हुई नज़र आएगी। किसान भी आपने क्या करना है कि आपने स्प्रे में इस्तेमाल करना है NPK 1919 का, 1 किलोग्राम आपने NPK 1919 ले लेनी है और इसके साथ में किसान भाइयों आपने प्रयोग करना है लगभग 250 ml जो लिक्विड फॉर्म वाला आता है ह्यूमिक एसिड, उसका किसान भाइयों 1 एकड़ के लिए आपने ये मात्रा जो हम बता रहे हैं वो 1 एकड़ की है, या और 250 ml साथ में आपने जो है ह्यूमिक एसिड ले लेना है। इसकी स्प्रे किसान भाइयों आपने जो है वो लगभग जब आप खरपतवार नाशी का स्प्रे कर चुके हैं उससे लगभग 1 हफ्ते से 10 दिन के बाद जो है आपने इस स्प्रे का इस्तेमाल कर देना है। आपके गेहूं की फसल का जो पीलापन, जो घास वाली जो दवाई आपने डाली थी उसके बाद जो आपको पीलापन देखने को मिल रहा है ये हो गया, या आपकी फसल का अगर पहले से भी आपको कलर जो है वो कम देखने को मिल रहा है, यानी कि उसमें हरापन जो है वो कम है, तो ये जो स्प्रे है NPK 1919 1 किलोग्राम और साथ में इसके ह्यूमिक एसिड जो 250 ml रहेगा लिक्विड वाला, उसकी स्प्रे अगर आप करते हैं तो काफ़ी अच्छा इसका रिजल्ट जो है वो देखने को मिलेगा, बिल्कुल हरा भरा आपका खेत हो जाएगा और गेहूं की जो ग्रोथ है वो अच्छी चलेगी और जो कल्लों का विकास है उनका जो फुटाव एक समय वो बहुत बहुत ही अच्छा आपको नज़र आएगा। खाद का जो आप इस्तेमाल करते हैं किसान, उसका असर जो है वो धीरे धीरे देखने को मिलता है, लेकिन अगर आपने खरपतवार नाशी का प्रयोग किया उसके बाद ही अगर ये स्प्रे आप करते हैं तो इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट और बहुत ही जल्दी आपको इसका रिजल्ट जो है वो देखने को मिलेगा। तो आशा करते हैं किसान भाइयों कि आज की हमारी ये दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो वीडियो करिएगा लाइक, चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी करिएगा सब्सक्राइब। धन्यवाद किसान भाइयों।